Assalamu class 7 students, we are going to discuss the digestive system of women. So we yesterday जैसे आपको बता रहा है कल हमने जो है वो digestive system जो है उसके मुख्तलिफ organs के बारे में discuss किया था, यानी mouth के बारे में. Mouth के बारे में बता था आपके mouth के अंदर जो है वो food किस तरह digest होता है, teeth का उसके अंदर क्या role होता है, saliva जो है वो इस तरह फूड को जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. उसके बाद हमारा जो आज का डिस्कशन के जो आर्गन है वो दो है, एक है एसोफिगस, एसोफिगस एंड स्टमक. सो एसोफिगस, एसोफिगस जो है जैसे लाइक अ ट्यूब होती है, एक ट्यूब होता है जो कनेक्ट करता है माउथ विद द स्टमक. माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने वाली ट्यूब होती है उसको हम एसोफिगस कहते हैं. देयर इज नो एनी डाइजेशन अकर इन द एसोफिगस. एसोफिगस में किसी किस्म की भी डाइजेशन नहीं होती. यहां से जो है वो जो बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना था माउथ के अंदर उसकी मूवमेंट होती है. इज दिस मूवमेंट अकर फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. ये स्टमक से माउथ से स्टमक के अंदर जो है वो मूवमेंट होती है. यहां पे दो टर्म्स यूज किए गए, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो दो टर्म्स यहां के प्रेसलेसिस एंड एंटी प्रेसलेसिस. आपको बताया कि दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन. ये जो आपके वाल ये ट्यूब जो होती है मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर की तरह होता है. तो यहां पे क्या होता है कि ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन सो करते फिरते से फूड जो है वो मूव होता है. ये जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है फ्रॉम माउथ टुवर्ड द स्टमक इसको बोलते हैं प्रेसलेसिस. यानी मूवमेंट ऑफ फूड डाउन टू द स्टमक, स्टमक के अंदर जो मूवमेंट जा रही है फूड की उसको बोलते हैं प्रेसलेसिस. दूसरी क्या होती है एंटी प्रेसलेसिस होती है. इसके अंदर क्या होता है कि फूड जो है वो स्टमक से बैक होके माउथ की तरफ होता है जिसको वोमिटिंग बोलते हैं. उल्टी वगैरह जाती है अगर हम कोई ज्यादा खा लेते हैं या कोई हम जो है पॉइजनस फूड खा लेते हैं तो क्या होता है स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है और वो बैक मूव होता है, वापस मुंह की तरफ से आता है, तो इसको हम एंटी प्रेसलेसिस कहते हैं. अब फूड जो है वो यहां से मूव होगा टुवर्ड द स्टमक. ये याद रखें कि किसी किस्म की भी डाइजेशन जो है वो एसोफेगस में नहीं होती. एसोफेगस में फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता. दिस इज द ट्यूब व्हिच मूव द फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक. अब स्टमक में जो है वो फूड मूव होगा. स्टमक अगर आप देखेंगे इट इज अ जे शेप मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन. ये जे शेप जो है मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जो प्रेजेंट होता है डायाफ्राम के अंदर और आपके जो है लेफ्ट साइड के अंदर. लेफ्ट साइड के अंदर जो है हमारा जो है स्टमक मौजूद होता है. अब स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक का फंक्शन क्या होता है डाइजेशन के अंदर. यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है और केमिकल डाइजेशन होती है. फूड जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं. वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो अपना फंक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो ये दिस वर्क नहीं स्टमक वर्क्स लाइक अ ब्लेंडर. आपने ब्लेंडर देखा होगा, ब्लेंडर जो है वो कोई चीज आप उसको डालते हैं तो वो उसको उसका चूरा बना देती है. तो इस चर्न एंड स्क्वाश द फूड बिल्कुल उसको छोटा छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगी, स्क्वाश का बना के जो है लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी. दूसरा स्टमक की जो वाल्स होती है उस वाल्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो सीक्रेट होते हैं. द वाल ऑफ द स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो है सीक्रेट करती है. उसमें एक एंजाइम एक जो है आपका एलिमेंट्स होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसको जो है कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म के अंदर. तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका दो काम होते हैं. एक क्या होता है किल्स द जर्म्स. जो आप फूड खाते हो उस फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई जरासीम वगैरह जो है या कोई दूसरे जो है यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको किल्स करता है, खत्म करता है. दूसरा क्या करता है कि जो आप फूड खा रहे हो उसको सूटेबल कंडीशन प्राप्त करता है एंजाइम्स को उसको हजम करने के लिए. इसका भी बनाता है कि एंजाइम्स को काम जो है कम करना पड़ता है उसको हजम करने के लिए. अब जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, इसका काम ये होता है कि दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. हम जो फूड खाते हैं उस फूड के अंदर जो है एंजाइम्स का काम ये होता है कि वो जो है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं. और दूसरा जो है अब क्या होगा क्या कन्वर्ट करने के बाद फूड जो है थिक क्रीमी लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं गायम. अब गायम जो है
वो मूव होगा स्टमक से टुवर्ड्स द सिमाल इंटेस्टाइन और सिमाल इंटेस्टाइन में उसकी अगेन आगे जो है डाइजेशन होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है दो डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में एसोफेगस और स्टमक के अंदर पढ़ा इसके अंदर जो है वो क्या रोल होता है डाइजेशन के अंदर क्या जो है किरदार है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सिमाल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और लिवर और पैनक्रियास के बारे में डिस्कस करेंगे।